ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी की बड़ी पहल। ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला यूनिट की ओर से यह ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें उनका यह कहना है कि ओबीसी का यह जो मुद्दा है, यह आरक्षण का जो मुद्दा है, यह नया मुद्दा नहीं है, यह बहुत पुराना है। इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के आदर्श रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए थे। साथ ही 340 के तहत उन्होंने ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की भी बात कही थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनकी बात नहीं मानी और इसी बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्हें, जो कि पहले कानून मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था ताकि ओबीसी के 340 के तहत आयोग गठित हो सके और उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके और उनका रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जा सके। अब बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बात कांग्रेस ने नहीं मानी। कांग्रेस ने इस देश के अंदर 50 से 60 साल तक राज किया, लेकिन ओबीसी को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने दिया। वो तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब इनकी देन है कि आज ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिल रहा है। चूंकि माननीय कांशीराम साहब के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और इसी आयोग की देन है, इसी आंदोलन की देन है कि मंडल आयोग तो लागू नहीं हुआ, लेकिन 27% रिजर्वेशन शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी को मिलने लगा। फिलहाल राजनीतिक आरक्षण को लेकर संपूर्ण देश के अंदर ओबीसी समाज जो है वो आक्रोश में नजर आ रहा है। आपको यह बता दें कि ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण नहीं है, ना ही विधानसभा में, ना ही लोकसभा में, ना ही राज्यसभा में, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अब वह भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार अब वह भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक ओबीसी की कितनी संख्या है यह आइडेंटिफाई नहीं हो चुकी है, और इसीलिए ओबीसी को रिजर्वेशन देना या ओबीसी का आरक्षण देना या कितने प्रतिशत देना अभी तक नहीं समझ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक समर्पित आयोग बनाया है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने भी इस समर्पित आयोग में कुछ लोगों को लिया है। अब इस आयोग का यह काम है कि संपूर्ण राज्य के अंदर कितने लोग यह चाहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, ओबीसी की क्या स्थिति है, ओबीसी किस दौर में गुजारा कर रहा है, इन तमाम बातों को लेकर, ओबीसी की समस्या को लेकर यह आयोग जो है वो चर्चा करेगा और कुछ लोगों से सुझाव भी मंगा रहे हैं। तो यह जो समर्पित आयोग बना है, इस समर्पित आयोग को बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी सुझाव दिया गया है कि पहले ओबीसी की जाति निहाय जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी सालों से यह जाति निहाय जनगणना ओबीसी की नहीं हुई है, और इसीलिए यह मामला जो है वो पेचीदा होते जा रहा है। अभी तक मंडल आयोग के बाद ओबीसी की जाति निहाय गिनती नहीं हुई है। जिस प्रकार मंडल आयोग के आंकड़े हैं, उसी आंकड़ों को अभी भी आधार मानते हुए बहुजन आंदोलन के लोग बात करते हैं, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि एक बार फिर हर 10 साल में सभी की जाति निहाय जनगणना होती है, लेकिन ओबीसी की जाति निहाय गिनती नहीं हो रही है, इसलिए ये तमाम दिक्कतें आ रही है और ओबीसी का को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, उनकी भागीदारी उनको नहीं मिल रही है। और अगर अभी तक ओबीसी जो है वो बड़े चुनाव में, विधानसभा में, लोकसभा में, वह जनरल कैटेगरी से ही मैदान में उतरते थे, लेकिन उनका अपना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। तो बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि ओबीसी को उनके संख्या के हिसाब से उनका हिस्सा दे दिया जाना चाहिए, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही ओबीसी के हक अधिकारों के लिए तत्पर खड़ी नजर आती है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।